दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों बड़ी खबर में देखिए, बिहार के पुलिस विभाग में 10,000 पदों पर होगी नियुक्ति, जाने कब से शुरू होगी प्रक्रिया। जी हां देखिए बड़ी खबर, बिहार के पुलिस विभाग में खाली पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। जनवरी महीने में पुलिस में विभिन्न स्तरों के 10,000 से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ही पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के समय कहा था कि बिहार में प्रति 1,00,000 की आबादी पर 160-170 पुलिस होनी चाहिए। ऐसे में राज्य में करीब 44,000 और पुलिस कर्मियों की जरूरत होगी। वहीं देखिए मुख्यमंत्री के इस टास्क पर अमल करते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। इसकी जानकारी होने के बाद रोस्टर क्लियरेंस कराकर नई नियुक्तियों के लिए अधिसूचना भेजी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नए साल के शुरुआत में केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा सिपाही और बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा दारोगा के पदों पर बहाली का विज्ञापन जारी हो सकता है। बाड़ी खबर में देखिए, बिहार में बर्फीली हवा से दो दिन में और बढ़ेगी ठंड, पटना समेत कई जिलों में लुढ़का पारा। जी हां देखिए, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और उत्तर पछवा हवा की सुबह में बनी मजबूती की वजह से दो से तीन दिनों में सुबह में ठंड में और वृद्धि होगी। मौसमविदों के अनुसार दो से तीन दिनों के बाद सर्द हवाओं के कारण पारे में 2 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। साथ ही देखिए कहीं कहीं तापमान में यह गिरावट 4 डिग्री तक संभव है। मौसम विभाग ने पूर्व में ही नवम्बर के अंत में ठंड में वृद्धि का पूर्वानुमान किया था। बाड़ी खबर में देखिए, नालंदा में सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा पूरा, अगले सप्ताह से राजगीर के घरों में मिलेगा गंगा जल, मंत्री संजय झा ने किया निरीक्षण। जहां देखिए बिहार के लाखों लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने से अब सालों भर गंगा जल सुबलता से मिलना शुरू हो जाएगा। दुनिया का धार्मिक और ऐतिहासिक मानचित्र पर विशिष्ट पहचान रखने वाले गया, नालंदा और नवादा जिलों में पहली बार गंगा जल की आपूर्ति सुनिश्चित होने जा रही है। वहीं देखिए सीएम नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर हर घर गंगा जल के तहत बिहार के 3 स्थानों पर गया, बोधगया और राजगीर में इसी महीने से प्यूरिफाइड गंगा जल की सप्लाई होगी। गौरतलब है कि भले ही गंगा बिहार से होकर बहती हो, लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण गंगा का पानी दक्षिण बिहार में पहुंच नहीं पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक दुर्लभ अवधारणा और भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना के तहत यहां बारिश के मौसम के दौरान अतिरिक्त नदी के पानी को जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा और साल के 365 दिनों तक लोगों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 नवम्बर को राजगीर में तथा 28 नवम्बर को गया और बोधगया में परियोजना का उद्घाटन करेंगे। बाड़ी खबर में देखिए, बिहार में डीएलएड नामांकन प्रक्रिया में बदलाव, कॉलेज चयन के लिए 3 बार मिलेगा मौका। जहां देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड सत्र 2022-24 के नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। बिहार बोर्ड ने यह तय किया कि अब अभ्यर्थियों को कॉलेज चयन के लिए 3 बार मौका दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा कॉलेज आवंटन के बाद भी स्लाइड अप कर कॉलेज बदलने का मौका दिया गया है। दरअसल यह निर्णय निजी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज द्वारा तय किया गया है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट संस्थानों की तरफ से इसके लिए 60 से 70 हजार रुपए डिमांड कर रहे थे। इसी डिमांड को लेकर बोर्ड ने एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। दरअसल पिछले दिनों कई छात्रों द्वारा शिक्षा विभाग को यह सूचना दी गई थी कि निजी संस्थान द्वारा मनमानी किया जा रहा है, जिसके बाद इसी मनमानी को रोकने के लिए बिहार बोर्ड ने एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। बाड़ी खबर में देखिए, तेजस्वी यादव से मिलकर आदित्य ठाकरे बोले, हमारी दोस्ती आगे चलती रहेगी, दोनों लंबे रेस के घोड़े हैं। जहां देखिए आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव ने मीडिया से वो बातें शेयर की जो मीटिंग के दौरान उनके बीच हुई है। ठाकरे ने कहा कि मैं और तेजस्वी यादव लंबे रेस के घोड़े हैं, हम दोनों युवा हैं और दोनों देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि मैंने पटना आकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की और एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर किए। साथ ही आदित्य ठाकरे ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे उनसे अलग अलग विषय पर चर्चा हुई, जिसमें पर्यावरण, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज शामिल है। ठाकरे ने कहा कि हम यह है कि अगर कोई युवा देश और अपने संविधान के लिए काम करना चाहता है तो वह एक दूसरे से बातचीत करे। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तेजस्वी यादव को मुंबई आकर वहाँ का टूरिस्ट देखने के लिए कहा है, मुझे उम्मीद है कि वे वक्त मिलने पर जरूर आएंगे। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो खेल खेला उसका सबक पार्टी को बिहार में मिल गया। आज मेरे आदित्य ठाकरे से मुलाकात हुई और हम दोनों लगातार देश के विकास के लिए बात करते हैं।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब शिक्षकों का हर माह तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। जब राज्य में शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड हर महीने तैयार होगा, इसमें उनके विद्यालय आने जाने का लेखा जोखा रहेगा, इसी आधार पर उन पर कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है। वहीं देखिए, अपर मुख्य सचिव ने इसमें स्पष्ट किया है कि अब किसी सूरत में शिक्षकों की सुस्ती नहीं चलेगी। बगैर सूचना से स्कूल से गायब रहना स्वीकार नहीं होगा। वे पहले ही ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर चुके हैं। अब इसे और विस्तार देते हुए शिक्षकों की रिपोर्ट हर महीने तैयार करने को कहा है। विभाग ने शिक्षकों की मॉनिटरिंग दो स्तरों पर निर्धारित की है। स्वस्थ शिक्षकों के विद्यालय आने को लेकर जिला स्तर पर हर महीने मॉनिटरिंग रिपोर्ट बनेगी। इसी दौरान प्रारंभिक विद्यालयों में अनुपस्थित प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षिका से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। वहीं स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर भी स्थायी रूप से वेतन काटने की अनुशंसा करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, पटना से रांची अब बस इतने घंटे में होगा तय। नया रूट बनकर तैयार, 64 किलोमीटर सफर बेहद रोमांचक। देखिए, पटना से रांची जाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब ये दूरी कम हो जाएगी, 11 घंटे में रांची पहुंचा जा सकता है। पटना से रांची के लिए नया रेल रूट बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि वाया बरका काना हजारीबाग कोडरमा इसी नई रेल लाइन के जरिए पटना रांची के बीच की दूरी 13 घंटे की जगह 11 घंटे में तय हो सकेगी। वहीं पटना रांची के बीच चलने वाली ट्रेनों को अब गोमो और पश्चिम बंगाल के झालदा नहीं जाना पड़ेगा। वही बारका काना से सीधे ही हजारीबाग कोडरमा होते हुए ट्रेनें पटना निकल जाएगी। आपको बता दें कि नव निर्मित सिद्धवार सा के रेलखंड पर 18 नवंबर को सफलतापूर्वक इंजन का ट्रायल रन किया जा चुका है। इस नए रेल रोड पर उद्घाटन जल्द होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस रेलखंड में 4 टनल, 32 मोड़ और 5 बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। इस संबंध में रांची रेलखंड के DRM प्रदीप गुप्ता ने बताया कि फिलहाल रांची मोरी बारका काना रोड पर जो ट्रेनें चल रही है उन्हें कुल 118 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। नई लाइन रांची बारका काना की दूरी महज 75 किलोमीटर ही रह जाएगी। बाड़खर में देखिए, बिहार के गारवी के 2 छात्रों ने खोजे 10 क्षुद्र ग्रह, अब नासा ने माना लोहा, करेगा सम्मानित। जब देखिए, बिहार के 2 बच्चे हर्ष और श्रेयस बी चंद्रा ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलोबोरेशन के तहत 10 क्षुद्र ग्रह की खोज की है। अब नासा इन क्षुद्र ग्रहों का नामांकन इन बच्चों के नाम पर करेगी और इन पर 2 साल तक रिसर्च किया जाएगा। इसके बाद इन्हें अस्थायी प्रमाण पत्र और स्कॉलरशिप आदि परियोजना का लाभ मिल सकता है। वहीं इन्हें नासा की ओर से सम्मानित किया जाएगा। बाड़ी खबर में देखिए, पटना में जनवरी से चलेगी CNG वाली 25 ऐसी बसें, न्यूनतम किराया 10 रुपया, यानी किन रूटों का हुआ चयन। जहाँ देखिए, पटना के लोग अब CNG ऐसी बसों में सफर करेंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 25 नए CNG बसों की खरीद की है। अभी इन बसों के पंजीयन और परमिट की प्रक्रिया चल रही है। जनवरी तक इन बसों के परिचालन की उम्मीद की जा रही है। इन CNG ऐसी बसों में कुल 32 सीटें होगी और 65% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वहीं महिला यात्री नहीं होने की स्थिति में इन सीटों पर पुरुष बैठ पाएंगे। साथ ही देखिए, परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार CNG ऐसी बसों का किराया काफी कम रखा जा रहा है। इस बस का न्यूनतम किराया 10 रुपया रखा जा रहा है। वही देखिए, सबसे कम किराया गांधी मैदान से पटना जंक्शन के बीच रखा गया है। इतनी दूरी तय करने पर यात्रियों को महज 11 रुपये का टिकट लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि नॉन ऐसी बसों की तुलना में इन ऐसी बसों से सफर करने पर लोगों को 7 से 10 रुपये तक अधिक खर्च करने होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इन CNG ऐसी बसों का परिचालन कारगिल चौक से पटना साहिब स्टेशन से फुलवाड़ी, एम्स एयरपोर्ट से गांधी मैदान, दानापुर से बाईपास और बिहार शरीफ और हाजीपुर तक चलेगी। में देखिए, पटना के लोगों को अगले माह से मिलेगी 5G की सुविधा, अन्य जिलों में 2023 तक होगी शुरू। जी हां, देखिए बड़ी खबर है, पटना में 5G सर्विस दिसंबर के अंत में शुरू होगी। वहीं नए साल में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में सेवा शुरू होगी। रिलायंस जियो इसकी तैयारी कर रही है, जबकि एयरटेल का फोकस पटना पर है। वहीं देखिए, इसी आधार पर मोबाइल ऑपरेटर तैयारी में जुटे हैं। इसके बाद दरभंगा, सिवान, बेगूसराय, गोपालगंज, सासाराम, मुंगेर का नंबर आएगा। हालांकि 2023 तक सूबे के सभी शहरों में 5G की सेवा पूरी तरह से चालू हो जाएगी। वहीं देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिनों केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ने दूरसंचार विभाग और ऑपरेटर्स को तेजी से काम करने के निर्देश दिए थे। कंपनी के सूत्रों की माने तो दिसंबर अंत तक पटना जिले में 5G नेटवर्क के सिग्नल मिलने लगेंगे। साथ ही देखिए, सूबे में 5G सर्विस लॉन्चिंग के बाद जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर का आमंत्रण मिलना शुरू हो जाएगा। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा और 1 GBPS तक की स्पीड मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी होगी।
बड़ी खबर में देखिए, राज्य में 1539 फार्मासिस्ट की होगी भर्ती। बिहार तकनीकी सेवा आयोग दिसंबर में जारी करेगा विज्ञापन। जी हां, देखिए बड़ी खबर, बिहार में जल्द ही 1539 फार्मासिस्ट पदों पर बहाली होगी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने राज्य में 1539 फार्मासिस्ट पदों पर बहाली का विज्ञापन दिसंबर में जारी करने का निर्णय लिया है। वही देखिये, अप्रैल 2023 के पहले सभी रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। वही राज्य में फार्मासिस्ट के मूल कोटे के कुल 2488 पद, जिनमें से 1539 पद खाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी फार्मासिस्ट को लेकर उठाए गए सवाल को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को समीक्षा की थी। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को फार्मासिस्ट की वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि फार्मासिस्ट के खाली 1539 पद अप्रैल 2023 तक भर लिए जाएंगे। बड़ी खबर में देखिए, नया पैनल करेगा बीपीएससी 67 पीडी के आंसर की जांच। अभ्यर्थियों के शिष्टमंडल ने चेयरमैन से बातचीत के बाद दी जानकारी। जी हां, देखिए पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर कैंडिडेट का गुस्सा फूट पड़ा। कैंडिडेट हाथों में तख्तियां लेकर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। कैंडिडेट्स की मांग थी कि पेपर लीक की सीबीआई जांच किया जाए, पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी हो, इसके साथ ही परीक्षा नियंत्रण को हटाया जाए। जिसके बाद बीपीएससी के अधिकारियों ने कैंडिडेट के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया था। अधिकारियों के साथ वार्ता करके लौटे प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि बीपीएससी ने आश्वस्त किया है कि रिजल्ट पर नया पैनल बनाया जाएगा जो सभी बिंदुओं पर उत्तर की जांच करेगा। साथ ही देखिए, चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि 67 पीडी के रिजल्ट में जो भी अभ्यर्थी पास हो गए हैं उनके रिजल्ट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हम स्टूडेंट के आग्रह पर एक्सपर्ट से खास तौर से आर्ट्स से जुड़े उत्तरों की जांच करवाएंगे और उसमें आयोग की ओर से दिए गए उत्तर में गड़बड़ी पाई गई तब हम जेन्युइन स्थिति में बेनिफिट दे सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, मार्च 2023 तक हर पंचायत के 4 वार्डों में लग जाएगी सोलर लाइट। जी हां, देखिए अगले साल मार्च 2023 तक सूबे के सभी पंचायतों के 4 वार्डों में सोलर लाइट लगाने का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्ट्रीट योजना के तहत इस अवधि तक 32,000 सोलर लाइट लगा दी जाएगी। सोमवार को अंतर विभागीय बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सरकार प्रदेश के सभी वार्डों को अगले वित्तीय वर्ष मार्च 2024 तक सोलर लाइट से रोशन कर देगी। साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलों में इस योजना के लिए राशि निर्गत कर दी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10-10 सोलर लाइट मार्च 2024 तक सूबे के सभी वार्डों में लगाने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं 20 वार्ड की सोलर लाइट बिजली के पोल पर लगाई जाएगी। वहीं 2024 तक 32,000 वार्डों में सोलर लाइट लगा देगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।